दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी मोहम्मद शफीक जंजुआ साहब की भी है, जो मौजा पट्टी इंडिया से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है जी। पैदाइश मेरी इंडिया में पट्टी एक इलाका था, वहाँ की है। इस वक्त मेरी उम्र माशाल्लाह 84 साल है। तो वहाँ से फिर हिजरत करके हम आए। फैमिली हमारे ताया जी थे, चाचा हमारे, वो तो मैंने नहीं देखे, वो पहले फौत हो गए। फिर हमारे बड़े एक थे, क्या कह लें, बाबा बैठक वाला, वो बड़े ताया जी थे। ये चार भाई थे जी, चिरागदीन, सराजदीन ताया जी, वो बड़े बैठक वाले, ताजदीन वालद साहब और जलालदीन। तो मैंने तो वो प्राइमरी तक ही पढ़ा, और उसके बाद ये बाकी जो कुछ है ना इलम, ये किताबें पढ़ पढ़ के हुआ है। नवाबक में मजमून लिखता रहा हूँ मैं, तो बाहर ये सारा कुछ किताबें पढ़ने से हुआ। रेगुलर जो तालीम थी वो प्राइमरी है। उस वक्त पाँचवीं जो थी ना वो यानी हाई चली जाती थी। मेरा छठी भी हाई क्लोज हो गया, अब पता नहीं आज भी अब क्या। वहाँ ट्यूशन का तसव्वुर ही कोई नहीं था, ये तो यहाँ शुरू हुआ ना। तीसरी जब मैंने पास की तो वालिद साहब के दोस्त थे हेडमास्टर, तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप पसंद करें तो आपका बच्चा पाँचवीं में चल सकता है। उन्होंने कहा ना, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है रूटीन से अब चौथी में जाएगा, फिर पाँचवीं में चला जाएगा। लेकिन वो पाँचवीं का नौबत ही नहीं आई। 14 अगस्त को पट्टी, जिला गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, ये सारा पाकिस्तान में था। और फिर पता नहीं माउंटबेटन और जना साहब का कोई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया इंडिया ने, आप भी बनाएं, तो इन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसने कहा ठीक है जी, उसने वो सारा इलाका काट के इंडिया को दे दिया। 14 अगस्त को पट्टी पाकिस्तान में था, फिरोजपुर, पठानकोट, ज़िला गुरदासपुर, बाद में फिर वो इंडिया में चला गया, पाकिस्तान बन गया। जुलूस निकलते, बन के रहेगा पाकिस्तान, ले के रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इला इल्ला, बन के रहेगा पाकिस्तान, ले के रहेंगे पाकिस्तान, वो जुनून की हद तक था। तो इलाका अक्सरियत ही था ना, वहाँ हमारे एरिए में बहुत शायद ही कोई हिंदू, हिंदुओं के अलग इलाका था हिंदुओं का। वहाँ एक सुंदर पाना वाला था हिंदू, उसके मुकाबले चिराग पाना वाला, इधर चिंतू गुड़िया वाला, उधर कुदाब गुड़िया वाला। बहुत पतंगबाजी होती थी जी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनका तो खैर ये उनके मतलब में है ये पतंगबाजी, मगर वो ये खूनी डोरे नहीं थी, ये जो ना बंदे मारने वाले डोरे, उस वक्त भी वो 8 संगल के, पता नहीं 6 संगल क्या था, वो वही होती थी। 10 साल की उम्र में वो करते थे, वो पैसे टके की गुड्डी थी। और देखा ना, मैंने वो दौर देखा है, देले, पाइयाँ और दमड़ियाँ, ये उस दौर में मेरे से थोड़ा सा पहला
कौडियाँ नहीं होती, वो बतौर सिक्का चलती थी। हमारे वहाँ एक थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, उनका था रईस लोग थे। बाद में वो इज्जत करके जब आए तो MLA, आप जब हम जिसको कहते हैं ना MPA, उस वक्त MLA था, वो कसूर से MLA मुंतखब हुए थे। और वहाँ तो बिजली नहीं थी, लेकिन मुझे याद है मैं उनकी कोठी में ताया जान के साथ गया तो कोई किनारे पे एक जनरेटर पड़ा हुआ था सुर्ख रंग का। वो रईस लोग थे जो, बल्कि उन्होंने अपनी इमारत को ज़ाहर करने के लिए पैसे ही था, उससे थोड़ा सा नीचे को 1.5 फुट नीचे ग्रासी प्लाट था, तो वो हाँ कौडियों का फर्श में कौडियाँ लगवाई थी, क्योंकि वो सिक्के के तौर पे चलती थी। फिर उन्होंने अपने कमरे में हर्न की वो गर्दन हनूत की हुई। फिर मुसलमानों ने कुछ जो साहब सीए थे उन्होंने मकान बनाए बड़े आलीशान, लेकिन वो चंद थे, बाकी तो सारी गुरबत थी। लेकिन वो ख्वाहिशात इतनी नहीं थी ना कि ये भी हो। देखो ना, TV था उस ज़माने में, ना AC था, ना कोई और चीज़ थी। बिल्डिंग थी, इतना ही बहा एरिया होगा वो। फिर एक धोबी थे, उन्होंने वो 400 रुपए में खरीद, 400 में इतना एरिया होगा। फिर मुसलमानों ने उसके नीचे सारे अंधेरे कमरे थे, मेरे हाल है सिखों के दौर की बनी हुई थी वो बिल्डिंग। वहाँ हिंदुओं ने एक कह रहे के अंदर बनाया हुआ था जंगला, लोहे का गेट था, तो अंदर उनके बड़े आलीशान मकान थे जी, दो दो मंजिला उनके, वो सिर्फ हिंदू रहते थे वहाँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि वालिद साहब को TV थी, तो हिंदू था वो पूज होती रखी हुई थी, उससे दवाई लेने जाते, वो उसके अंदर था गेट के अंदर, तो इसलिए मैंने वो देखा कि अंदर हिंदुओं के बड़े आलीशान मकान थे जी उनके। तो बाज़ार में भी था सुंदर पाना वाला, दासा बर्फ वाला, चिंतू गुड़ियाँ वाला, ये सारे वहाँ के किरदार थे। इससे मात कदम के तौर के उत्ते मुसलमाना ने फिर उत्थे अंदर छवियाँ, कुल्हाड़ियाँ, कृपाना, तलवारा बढ़िया बनाने, वो पट्ठियाँ लगा ली ना उन्होंने अंदर ही वो करते थे लोहार, फिर अंदर ही वो साने लगा के उनको तेज़ करते थे, इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो। अब ज़रूरत क्या पड़नी थी, वो तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलो। मैंने तो खुद देखा है सारा कुछ, ये दफा के लिए था कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो। बस असल में तो उस वक्त तो क्या कहते हैं जी, पेट पूजा की मुश्किल थी। 8 साल की उम्र में वालद साहब बहुत हो गए, अब जरिया माश को नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत असासा था वो उधर रह गया। अब जो करना था खुद ही करना था। पहली ईद ऐसी उस वक्त पाकिस्तान, चूँकि उस वक्त ये था कि पट्टी पाकिस्तान में है, तो ईद की नमाज उधर ही पढ़ी। 27वें रोजे को हुआ ना पाकिस्तान वाला, तो ईद की नमाज हमने उधर ही पढ़ी। हमारी हमशीरा थी गुजराले अमृतसर, तो प्रोग्राम बना रहे थे कि चलो पट्टी पाकिस्तान में आ गया, अब वहाँ वालदेन के पास पट्टी, 2 दिन बाद पता चला हमें भी हुक्म हुआ कि निकलो जी यहाँ से। हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, उसकी गलबन सकी फूफी थी या खाला थी पट्टी में, वो सब्ज़ी सप्लाई करते थे आर्मी को, मिलिट्री को, वो वहाँ ट्रक लेके आ गए मिलिट्री का, उसमें फिर औरतें वगैरह सारे बच्चे। तो वालदा कहने के, नहीं मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप जाएँ। तो फिर उसकी वजह से अब जो ट्रेन लेने आ रही थी वो 10 किलोमीटर वहाँ, मेरे ख्याल आजकल भी 10 किलोमीटर पे स्टेशन होता है रेलवे का, तो वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। अब उन्होंने कहा जी अब तो मुरम्मत वाला तो काम कोई नहीं, वहाँ आ जाए पैदल ही। फिर वो 10 साल की उम्र में वो छोटी हमशीरा थी, कभी बड़ी भाई उसको उठा लेते थे, कभी मैं उठा लेता था, 10 किलोमीटर पैदल चल के।
और फिर एक अजीब था वो कि चंद दिनों की बात है फिर वापस आ जाना है, यानी हमारे वो पहले उसको होरा कहते थे, फिर तहखाना हो गया, फिर उसका नाम बदल गया, बेसमेंट हो गई। वो सारा सामान घर का उधर रख के वो सीढ़ी पे छत डाल दी। अभी वो स्टेशन में थे तो पता चला जी कि वो जो जमादार नहीं है ना, वो सारा सामान निकाल के ले गई। उन्हें पता था कि ये अब वापस नहीं आएंगे, हमें तो इतना नहीं पता था ना, उन्हें पता था कि ये वापस नहीं आएंगे सारे जी। फिर वो आबाई घर, आबाई घर होता है चाहे कच्चा ही हो, उसकी अपनी होती है ना, उसका चूँकि सारी ज़िंदगी के बारे वहीं गुजारी होती है। उस ज़माने में पाकिस्तान बनने के फौरन बाद आधा लाहौर अमृतसर, आधा अमृतसर लाहौर, 65 की जंग के बाद तो बिल्कुल वो बंद हो गया ना। और फिर ख़ास करके वो पता चला कि अब पट्टी छावनी बन गई है, तो अब तो वहीं कोई नहीं जाने देगा। छोटे थे लेकिन होता ना बच्चों को भी जस्तजू के देखे क्या हो रहा है, तो वहाँ जुल्म तो बहुत हुआ जी, इसके कोई शक नहीं। बेशक वहाँ पट्टी नहीं हुआ कुछ भी, अक्सरियत मुसलमानों की थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन देहातों में बहुत कतरों गर्द हुई। और उसका वो सीन था वो अस्पताल में कि किस तरह ज़ख्मी वहाँ आए, बाजू कटे, टांगे कटी, वो तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने हिंदुओं के कहने पे, सिखों ने किया, ये सारा बेड़ागर तारा सिंह ने किया, और हिंदुओं के कहने पे सिखों ने कत्लोगारत की मुसलमानों की इंतहा। और फिर हमारे काफले को कसूर तक छोड़ने आया मेजर सिख, अगर वो चाहता सबको मरवा देता, लेकिन कसूर तक छोड़ के गया वो। वो जीप थी ना, कभी ट्रेन के दाएं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी दाएं तरफ, उसके पता था, उसके गाइड भी थे कि अब यहाँ सिखों का गांव आने वाला है, अब यहाँ सिखों का गांव आने वाला है, तो वो जीप उस तरफ कर लेता था। फिर वो बुलबुलियाँ मारते थे सिख, तो फिर वो कहता फायर करो, ज़ाहिर उस फायर के सामने कौन खड़ा होता है, तो लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, लटके हुए हैं गाड़ी से, तो बड़ा मुश्किल। फिर कसूर कुछ दिन रहे, कुछ हमारे अजीज उधर चले गए सांगला हिल की तरफ, हम गुजरा ले चले गए। हमारे वहाँ एक ना बड़े मौजूद थे, छोटे से कद के थे, अब्दुल मजीद करशी, तो वो दाना थे बड़े, तो उन्होंने ज़िम्मेदार अखबार था, उसके सामने आज भी पीली बिल्डिंग में हाल है, तो वहाँ वो उन्होंने वही वो बेचारे कत्ल भी हो गए, पता नहीं क्या हुआ। रास्ते में थाना था जहाँ स्टेशन पे जा रहे थे, रास्ते में सवाए इसके गिलास और जग, बाकी तो वो रखा लेते थे उधर ही थाने वाले। वो जो सामान था वो तो बेसमेंट में तहखाने में सारा बंद कर दिया, बस वही था कि वो जुलूस निकलते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और अब यही है जी, पाकिस्तान बन गया तो आज हम ज़िंदगी आराम के गुजार रहे हैं, उधर होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा बुनियादी तौर पे मैं डाइवेटर था, दिन रात काम करना गुजराले में, वहाँ काम ना चला, फिर लाहौर आ गए, फिर यहाँ कुछ सिलसिला ने चालू कर दिया। ये जो पेचकस वगैरह, ये वगैरह हमारे बनते हैं, पेचकस प्लास, आरी का ब्लेड और बड़ा कुछ बनता है। ये छोटी मशीरा की बिल्डिंग थी, बहुत हो गए मनोई भी, छोटी मशीरा भी, तो यहाँ 8 दुकानें थी, तो यहाँ किराया तो खैर ना लिया उन्होंने, यहाँ एक दुकान ली, स्टूल किसी से, मेज़ किसी से, बंच किसी से, जी तो वो मेडिकल का थोड़ा ज़ुकाम खांसी वगैरह ये शुरू किया। फिर उसके बाद वो जगह अल्लाह मख़फ़ूज़ करे जनरल अंसारी साहब को, एडी के डीजी थे ना वो, उन्होंने फिर वो प्लाट, हमने कहा जी मुफ्त नहीं लेना, रियायती रेट पे दे दे, फिर वो हमने वो लिया। रोही नाला और साथी नाला होता है मेरे हाल, वो कसूर भी आता है, तो अक्सर गरीब जो औरतें थी ना, नलका पंप तो किसी के घर होता ही नहीं था, तो वहाँ रोही पे जाके वो कपड़े धोती थी,
और फिर वहाँ वो एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर रोही के साथ, तो हिंदू ज़ाहिर है वहाँ मंदिर बनाते हैं। जिंदगी पुरसकून थी जी, लवाजमात ज़िंदगी इतने बड़े नहीं थे, दुरियात ज़िंदगी हमने खुद बढ़ा ली। ये जो जो कुछ मुसीबत बनी हुई है ना, लवाजमात ज़िंदगी खुद हमने बढ़ाया। ना टीवी था, ना रेडियो था, ना टीवी तो खैर आज भी नहीं हमारे घर में जी, और ये मोबाइल आपके बच्चों के पास भी होगा, मैंने रखा ही नहीं आज तक। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी जी, बड़ा कत्लो गारत हुआ, कैंपों में बड़ा जुल्म हुआ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, सौदागर बने हुए थे। ये तो हाल था नौजवानों के लिए है कि इसकी कदर करें, ये बड़ी मुसीबतों से मिला है, बड़ी कुर्बानियों से मिला है, बड़ी इज्जतों की कुर्बानी दे के मिला है। इन्होंने तो किताबें पढ़ा होगा ना, मैंने तो खुद देखा है सारा कुछ, पाकिस्तान माते देखा है। यहाँ तो नौजवान किताबें पढ़ते होंगे ना, नौजवान जो है ना जी, वो तो हर जो त्यौहार है ना उस पर ये हरकतें करते हैं। उनको पता ही नहीं 14 अगस्त क्या, कैसे पाकिस्तान बना, कितनी कुर्बानियों से बना, उन्हें पता ही नहीं। अब नौजवानों का फर्ज है कि इसकी हिफाजत करें। ये कौन सी है जी, हर त्यौहार को वो सनसर निकाल लेते हैं बाइक का, और वो हंगामा, वो शोर, पता नहीं ये कौम कब सुधरे। ये कौम नहीं है, ये हजूम है, कौम नहीं है। कौमें तो बनती है जी, जैसे माओ ने कौम को बनाया चीन चाइना में, तो कौमें तो ऐसे, लेकिन वो कैसे बनी कि वो बताते हैं कि टूटे उस बूट थे, उसके शूज़ है नी, पैबंद लगे हुए थे, ये लीडर थे, कपड़ा तय स्त्री तय करने और सराहने थले रख देने, लो जी स्त्री हो गए, ये नखरे सब। ये इसको कहते हैं राज खान की मस्तियाँ, राज खान की मस्तियाँ। अब भलाई इस नौजवानों को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया, मैं ऐसे मिल गया उफुत में।